आज 8:30 बजे करीब मेरे बड़े भाई साहब बिजली घर में नरेंद्र सिंह जी बाहर खड़े थे घर के बाहर, और मैं भी गली में था और मेरे बड़े भाई साहब वॉक कर रहे थे पूंछ सिंह जी खाना खा के। तो विजय सिंह नामक युवक मेरे जो पड़ोस में रहता है ठीक, वो आया और भाई साहब से बहस करने लगा, आप मेरे गवालियाँ दीन, आप मेरे ये गान। तो उसने भाई साहब को उसमें बहसबाजी में अर्था बाजी स्टार्ट कर दी। तो उसके पीछे उसके दो भाई आए, विजय सिंह का एक छोटा भाई रेवंत सिंह और उसका एक और परिवार के सदस्य राजू सिंह, और उसके बाद उसके गैंग के कोई 20-25 लड़के आए और उन्होंने एक जो कि भाई साहब नरेंद्र सिंह पर हमला किया। किसी से कूप सिंह जी जॉगिंग करे थे एक बीच में आए, तो कूप सिंह जी के भी लाते हैं डुके मारे, मैं एक बीच में गया, मेरे भी साथ भी अथापाई हुई, मेरे चोट नहीं आई थी ज़्यादा, बस लगी थोड़ी अथापाई लगी। कूप सिंह जी के उन्होंने डुके मारे, तो कूप सिंह जी अभी हमें सिटी स्कैन कराया है, तो उनके अंदर से हल्का सा मास्क फटा हुआ है कूप सिंह जी का और एडमिट है अभी। और नरेंद्र सिंह के भी हाथ में फ्रैक्चर शायद है, उनका किया है वो अभी, तो पट्टी गई हुई है, सुबह वापस प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अभी उनको भी एडमिट किया है, दोनों भाइयों को एडमिट किया है। मेरा यही कहना है कि जब हम मैं उपप्रधान बानवे ग्रामीण का सरकार का एक हिस्सा होते हुए मेरे घर पे ऐसे असामाजिक तत्व हमला कर रहे हैं, एक एकजुट होके एक राय होके, तो आम जन क्या उम्मीद करेगी सरकार से और प्रशासन से, इसके पीछे क्या वजह रीजन कोई वजह नहीं। वो कह रहे हैं आपने हमें गाली निकाली, बस एक ही बात कह रहे हैं हमें गाली निकाली नरेंद्र सिंह ने, तो गाली निकाली थी तो आप उसके घर पर जाके हमला कर दोगे, उसको मार दोगे, हम खत्म कर देंगे। फिर आपने मामला दर्ज करवाया पुलिस आई, हमने सदर थाने में मामला दर्ज कराया, मैंने सीए साहब को फोन किया, पुलिस उस समय हाथों आ गई थी 15-20 मिनट में, जब तक वो भाग गए थे लड़की, और उसके बाद हमने हॉस्पिटल आए, भाई साहब इधर दौरा था पेन कूप सिंह जी को नरेंद्र सिंह को, उसके बाद कितने लोग थे क्या भीड़ भाड़ मालूम नहीं, हथियार होंगे उसके पास, ऐसी बात नहीं हथियार नहीं होंगे, हथियार होंगे पता चला नहीं, हम तो एकदम से हमला हुआ तो डर गए सब जने कि क्या हुआ एकदम। अब घर पे आपके कोई आता है आपसे बात नहीं करके सीधा आपके साथ होस्टर कर देता है, तो पता नहीं क्या क्या लगे, भाई साहब मांस फटा तो कुछ ढंग का ही मारा होगा, तो फटा है कुछ हथियार है उजार से मारा होगा, तभी फटा नहीं तो फटता नहीं।